इराकी शहर मोसूल में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ छिड़ी जंग आखिरी और निर्णायक स्तर पर पहुंच चुकी है। ऐसे में आतंक का आका अबू बकर अल बगदादी का एक ऑडियो संदेश सामने आया है, जिसमें उसने लड़ाकुओं से टिके रहकर लड़ने की अपील की है। आईसिस से जुड़े अल फुरकान मीडिया की ओर से जारी किए गए एक ऑडियो संदेश में एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसे आईसिस के सरगना अबू बकर अल बगदादी की आवाज़ कहकर पेश किया गया है। एक साल से भी ज्यादा वक्त के बाद जारी किए गए इस संदेश में बगदादी अपने लड़ाकुओं से कहता है कि शर्मनाक तरीके से पीछे हट जाने के मुकाबले सम्मान के साथ अपनी जगह डटे रहना हजार गुना आसान है। इसके साथ ही बगदादी ने कहा कि वे काफिरों पर इतने हमले करें कि उनकी जमीन पर अफरा तफरी मच जाए और साथ ही नदियों में पानी की जगह काफिरों का खून बहने लगे। हालांकि आईएसएस के चंगुल पर मोसूल को आज़ाद करने के लिए छिड़ी जंग में इराकी और कुर्दिश सेना बगदादी के आतंकियों को चुन चुन कर मार रही है, जिससे बगदादी के लड़ाकों की फौज के पांव खड़ने लगे हैं। आपको बता दें कि साल 2014 में जिहादी लड़ाकों द्वारा इराक के कुछ इलाकों पर कब्जा करने के बाद बगदादी सार्वजनिक रूप से मोसूल में दिखाई दिया था और वहाँ उसने इराक और सीरिया के इस्लामिक राज्य की स्थापना की घोषणा की थी। तो पिछले काफ़ी वक्त से बगदादी के मारे जाने की खबरें आ रही थी और अब इस बीच बगदादी का ऑडियो संदेश आना सबके लिए बेहद चौंकाने वाला है। देखते रहिए टीवी लाइव।